जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान के समर्थन में चीन द्वारा ठेके पर दी जा रही टेलीकॉम कंपनियों के विरोध में आज स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, जिसके बाद से वो चीन के साथ मिलकर बॉर्डर के आसपास कुछ टेलीकॉम कंपनियों को ठेके पर हायर करते हुए एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी में है। स्वदेशी जागरण मंच ने यहां जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। चीन ने अभी जो संयुक्त सुरक्षा परिषद में धारा 370 को लेकर जो विषय उठाया और पाकिस्तान का साथ दिया, स्वदेशी जागरण मंच ने तय किया पूरे देश के अंदर चीन का हम लोग विरोध करने वाले हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जो चीन की कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं और करने का प्रयास कर रही हैं, उनको हम किसी भी कीमत पर भारत में हम ये नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 12, 13, 14 अक्टूबर को जो समिट यहाँ पर बुलाई गई है बड़ी, उसमें भी चीन की कंपनियां न आए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पर चीन की कंपनियों को भारत में प्रवेश ना दें, क्योंकि चीन का जो मसला है वो हमेशा भारत के विरोधी रहा है। और भी हाल ही में हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अकेला चीन पाकिस्तान के सामने खड़ा था, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था, बाकी सारी विश्व की शक्तियां भारत के साथ थी। तो किसी भी कीमत पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीन की कंपनियों को भारत में। आपने क्या किया आज यहाँ चीन की सरकार का और चीन के राष्ट्रपति का? हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और अभी जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम।